हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 18.5 व्हाट कैन बी डन। ये चैप्टर हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के सामने फाइट में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। तो उसका एक उदाहरण है कि थोड़े बहुत साल पहले दिल्ली बहुत ही पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड के अंदर था। इट वॉज बींग चॉक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो बहुत ही वो चौक हो जाता था धुओं की वजह से, जो पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स है उनके थ्रू छोड़ा जाता था। अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल। तो डिसीजन किसकी तरफ गया, CNG यूज़ करने की तरफ और अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करने की तरफ गया। दिस मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। ये जो मेजर्स है ये जो स्टेप लिए गए उसकी वजह से सिटी के अंदर क्लीन एयर हुई। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो आप भी आपके एरिया में से कोई एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकेंगे जिससे एयर पोल्यूशन कम हुआ। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स। तो आप ये जानते हैं कि पटाखों को ना बोला गया है, पटाखों को ना बोलो, इसके बारे में जानते हैं। एक कैंपेन है विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स। तो ये डिसीज़न बहुत सारी स्कूलों के बच्चों ने लिया है, बराबर, क्या कि कैंपेन करो पटाखों को ना बोलो, बराबर। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पॉल्यूशन लेवल्स अराउंड दिवाली। तो ये बहुत दिवाली पर एयर पॉल्यूशन लेवल्स का बहुत बड़ा डिफरेंस कर देते हैं। एयर पॉल्यूशन बहुत जो ज़्यादा होता है वो फिर कम कर देते हैं, पटाखे नहीं जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट। तो अलग अलग लोकेशंस का क्वालिटी ऑफ एयर रेगुलरली गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है एंड अदर एजेंसीज। गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज क्या करती है, एयर का जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। वी कैन यूज़ दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमॉन्ग फ्रेंड्स। तो ये डेटा हम फ्रेंड्स और नेबर्स के अंदर अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए जागरूकता लाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरे फ्यूल्स की तरफ हमें स्विच करने की स्विच ऑन करने की ज़रूरत है, बराबर। फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दिस कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी हो सकता है। देन एक्टिविटी 18.4, यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ commuting to your school such as walking, going by cycle, travelling by bus or other public transport, using car individually, travelling by car pool, right। तो स्कूल पहुँचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चलते जा सकते हैं, बाइसिकल से जा सकते हैं, ट्रैवलिंग बाय बस कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल कार भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बाय कारपूल भी जा सकते हैं स्कूल। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर।
तो ये अपने क्लास के अंदर इसके असर के बारे में सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम स्कूल जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में हम स्कूल में एयर क्वालिटी का क्या इम्पेक्ट होगा इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो हम जो पार्ट अदा करेंगे तो उससे बहुत सारा डिफरेंस होगा इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, बराबर। तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारा चेंज होगा जो भी हम करेंगे। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेबरहुड। तो हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं और उनको खिला पिला के, मतलब उसको खातर डाल के, पानी डाल के, दूसरों को भी उसका यूज़ करवा के सबको हम हेल्प कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? तो अब आप वन महोत्सव के बारे में जानते हैं, मतलब उसके अंदर प्लांटिंग होता था। व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर, जब बहुत सारे ट्रीज जुलाई के अंदर प्लांट किए जाते हैं, बराबर। कौन से उत्सव मनाते थे हम? वन महोत्सव। ओके, मतलब उसमें क्या करते हैं, हम ट्रीज़ का प्लांटिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं चिल्ड्रन प्लांटिंग सैपलिंग्स, बराबर। तो ऐसे स्कूल में प्रोग्राम कर सकते हैं। बूजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वेयर बर्निंग ड्राई लीव्स। बूजो और पहेली एक एरिया में गए जहाँ थोड़े बहुत लोग ड्राई लीव्स को जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। वो वहाँ पर गए तो उनको कफिंग स्टार्ट हो गया क्योंकि पूरा एरिया जो था वो स्मोक से ढक गया था, बराबर, मतलब फुल हो गया था स्मोक। स्मोक जहाँ जहाँ देखो वहाँ हो गई थी। पहली थॉट, इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पीट रादर देन बर्निंग। तो इनको कंपोस्ट पीट में डालना ज़्यादा बेटर रहेगा बर्निंग की जगह। बर्निंग से पॉल्यूशन होता है, सांसों में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है, तो उसकी जगह कंपोस्ट पीट में डालना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ओके, देन वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।